तो इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंट डी। इस सूत्र को आप अगर याद कर लिए बस आपका कल्याण हो जाएगा, इस सूत्र को अगर याद नहीं किए तो बस खेला ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए 5.2 में सबसे पहला सवाल देखो, कहता है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सारवंतर और सारवंतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है, तो इसको ज्ञात कीजिए। तो उसमें एक सारणी बनाया हुआ, चार्ट बनाया हुआ, देखिएगा चार्ट बना हुआ है ना जी, तो उस चार्ट में सबसे पहले देखिए कि क्या दिया हुआ, एक पहला का एक नंबर का एक नंबर बताते हैं, ठीक है, एक नंबर का एक नंबर आपको हम बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो एक का एक नंबर जो हम बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्या है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, सात, ए बराबर सात, तो ए बराबर सात लिखते हैं, और डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर तीन, और क्या दिया है, एन बराबर, और क्या ज्ञात करना है, एन, एन बराबर ज्ञात करना है ना। ये रामबाण आपके साथ है, ये है ना, ये सूत्र है ना रामबाण बोला, ये आपके साथ है, ये अब इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सूत्र सिर्फ सूत्र को लिखना है, सबका मान बैठा देना है, एन ज्ञात हो जाएगा है ना, हर लोग मेट भी लाइक हो रहा है क्या रे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिर्फ हमको एन ज्ञात करना है, सूत्र है ये है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ए का मान क्या दिया है बताओ, सात, और एन का मान कितना दिया है, आठ घटा एक, यहाँ कोई चिन्ह तो गुना का चिन्ह है ना, गुना डी, डी का मान कितना, तीन, सात जोड़ आठ पे से गया, सात गुना तीन, सात जोड़ सातिया इक्कीस, इक्कीस और सात को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यही आंसर है, ठीक समझ गए है ना। उसी तरह से सवाल नंबर दो, बेसी नहीं बनाएंगे, दो को हम बना देते हैं और इसके बाद बाकी आपको बनाना है ना। सवाल नंबर दो में क्या है, ए बराबर ए बराबर माइनस 18 और डी बराबर डिब्बा और एन बराबर 10 और एन बराबर 0 है ना। हर बार आने की जरूरत नहीं कि ओब्बा अगर हम डी छुटी गले ना, छुट गया छुट गया है ना, वो ऐसा नहीं धब्बा नहीं बोलता था बच्चा सा वैसा नहीं, तो यहाँ पर एकदम छूट गया कोई दिक्कत नहीं, समझे, इसी सूत्र पर फिर इसको बनाएंगे, सूत्र एक को रखेंगे, ठीक है, एक वो सूत्र रखेगा ना तो ठीक रहेगा, समझ में बात नहीं, एक वो बेटा रहता है ना कोई दिक्कत नहीं है उसको, जल्दी दिक्कत नहीं होता, को कैसे है ना, वो बेटा को हमेशा समझ में आता है कि पप्पा है मम्मी है, इसको खिलाना तो हम ही को ना है ना, जिसको चार को बेटा रहेगा उसका माँ बाप जल्दी भूखले रहता है, बड़का भाई जी खिलाना है, छोटका नहीं तो खिलाया होगा, महिला समझला है ना, मम्मी पप्पा भूखले है ना, मेहमानियों में जाएगा जिस जहाँ एक वो कुटुंब है वहाँ तो अच्छा से रहेगा, और जहाँ दो चार को कुटुंब है तो बस हो गया, वो कहेगा कि हम खिलाए हैं, वो कहेगा हम खिलाएंगे, पता चलेगा कोई नहीं खिलाया, ठीक है। तो इसीलिए एक सूत्र याद रखिए, ए मतलब 5.2 में घुसने पर an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बड़ी आसान सूत्र है, इस सूत्र पर हम आपको बना के दिखाए हाँ, दूसरा और इस पर करते हैं है ना, तो an बराबर ये भी नहीं चलता है ना, इसको भी ना मोटापा की बीमारी है ना, ठीक है, उसका मुंह जो है, ठीक है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, मोटा आदमी देखे कहीं जल्दी घुसेगा नहीं है ना, दीवाल की तरह उधर जा रहा है, ठीक है, पता नहीं चला आदमी टहल रहा है दीवाल टहल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दीवाले टहलता है चुट्टा कहेगा, उसी का ससुर होगा जो दीवाल जिसका टहल रहा है, अच्छा तो चलिए, एन बराबर ए प्लस एन का मान दिया हुआ है जीरो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान 10 घटा एक और डी का मान डिब्बा, डी बराबर डी ए, ठीक, डी ज्ञात करना है, माइनस इधर है
18 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस 18 नहीं रे जी। है ना, बहुत विद्यार्थी घबरा गया था डी कैसे निकालेंगे, है ना। एक बात बता देते हैं, दूध जब फट गया ना तो वही आदमी टेंशन में आ जाता है जिसको ना फटे हुए दूध से पनीर बनाना नहीं आता है। क्या दूध फट गया तो फस किस्मत नहीं है ना, फटा आराम से पनीर बन जाएगा। तो यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए एन का मान 0, ए का मान माइनस 18 प्लस एन का मान 10 घटा 1 डी, ठीक। 18 इधर माइनस में इधर प्लस में आया, 10 में से गया 9, ठीक 9 डी हुआ। 18 इधर डी गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 9 दुनी 18, 2 बराबर डी या डी बराबर